नहीं दादी, आज फिर कोई नई कहानी सुनाओ। तो सुनो, एक थे राजा और एक थी रानी। बेटा कहानी मैं सुना रही हूँ। क्यों क्या दादी, रोज रोज राजा रानी की कहानी सुनाती हो, कुछ नई कहानी सुनाओ ना। अच्छा तुम भी बताओ, कैसी कहानी सुनाओ। दादी तुम इस ऋषि मुनियों की तपस्वी में ऋषियों की कहानी सुनाओ ना। तो सुनो, एक ही ऋषि, उनका नाम था विश्वामित्र। घोर तपस्या में लीन थे, उनके तप से इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। इंद्र को लगा ये ऋषि इंद्रासन मुझसे छीन लेंगे, अतः उसकी तपस्या भंग करने के लिए मेनका नामक अप्सरा को धरती पर भेजा। मेनका ने छल से ऋषि की तपस्या भंग कर दी। विश्वामित्र मेनका पर आशक हुए और उनके सौरुष्य से शकुंतला का आगमन हुआ। धीरे धीरे शकुंतला बड़ी हुई और एक दिन पूरे बैठ गए थे, हम भी समझते हैं। सोचती हूँ उस दिन उस प्राण बल्लभ के पास से लौटी ही क्यों, कण कण उसे अपने को देखकर रीत क्यों न गई। उसकी किंचित मुड़ी हुई शंख ग्रीवा तथा फैली हुई